बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो यहाँ पर यूटी गवर्नमेंट है ये कैसे चल रही है। जब कोई आर्डर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिल रहा हो तो फिर इस गवर्नमेंट का क्या कहना। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला था कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको 10,000 रुपया डॉक्टर्स को, 7,000 रुपया पैरामेडिकल नर्सिस को और 5,000 रुपया एनओस को और सफाई कर्मचारी ड्राइवर्स को दिया जाएगा। सुदन प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, 6 अगस्त को हमारी एक नेगोशिएशन हुई थी कश्मीर में, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तब के डुल्लू साहब, उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन में आपकी डीपीसी हो जाएगी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 महीने हो गए वो अभी तक डीपीसी नहीं हुई है। जो डीपीसी हर 6 महीने में होनी चाहिए वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है। हम गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजह है कि क्यों ये डीपीसी जो है ये पीछे कर रही है। दूसरा, गवर्नर साहब का एक ऑर्डर था कि वो जो पैरामेडिकल्स हैं उनको 10,000 रुपया डॉक्टर्स को, 7,000 रुपया पैरामेडिकल को और 5,000 रुपया एनओ ड्राइवर को दिया जाएगा। वो ऑर्डर भी 6 महीने 8 महीने हो गए वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप तंग हो गए हैं। अब 20 तारीख को हमने एक धरने का प्रोग्राम किया डायरेक्टर सर्विस जम्मू के सामने, जो 20 तारीख को धरना होगा, अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानी तो 23 तारीख को ऑफिस आवर में हम भूख हड़ताल देंगे। जब तक ये हमारी डीपीसी नहीं होती ये प्रोग्राम हमारा जो चलता रहेगा।